राजपुरा क्षेत्र में पेयजल किल्लत से नाराज स्थानीय लोगों ने आज कांग्रेस नेता हेमंत साहू के नेतृत्व में जल संस्थान कार्यालय में प्रदर्शन किया। खाली डिब्बे और बाल्टियां लेकर पहुंचे लोगों ने जल संस्थान के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि पिछले एक सप्ताह से राजपुरा क्षेत्र में ट्यूबवेल खराब है, इसके बावजूद भी जल संस्थान प्रशासन ट्यूबवेल सही नहीं करा पाया है, न ही टैंकरों से पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति कराई जा रही है। क्षेत्र के लोग पीने के पानी को भी तरस रहे हैं, लोगों को दूर दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द ट्यूबवेल ठीक कराकर पेयजल आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। स्थान प्रशासन लगातार हर मामले में विफल होता जा रहा है। राजपुरा क्षेत्र पेयजल संकट व्याप्त है, जल संस्थान आँख बंद करे बैठा है, न टैंकर से पानी की सप्लाई करवा पा रहा है, न समय से ट्यूबवेल को ठीक करा पा रहा है। तो ऐसे में जनता भटक रही है, दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर छोटे छोटे बच्चे महिलाएं पेयजल के लिए इधर उधर ठोकर खा रहे हैं, और जल संस्थान बिल्कुल मूर्ख दर्शक बना हुआ है। हम जल संस्थान को जगाने के लिए आए, हम मांग कर रहे हैं तत्काल पेयजल संकट को दूर करने के लिए जल संस्थान प्रशासन उचित कदम उठाए। साथ ही साथ मांग कर रहे हैं कि बेहतर गुणवत्ता की मोटर लगाई जाए, ताकि जो बार बार ट्यूबवेल बिक रहा है उसमें अंकुश लगाया जा सके, वरना जनता का सब्र का बांध टूटेगा और जल संस्थान में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।